किसान एवं बागवान भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बागवान भाइयों, इस बार फ्लावरिंग थोड़ी जल्दी आ गई है क्योंकि इस बार तापमान काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अभी आप देख लो तो अभी कितनी गर्मी हो गई है। इस टाइम हमारे इधर बर्फ़ पड़ी रहती थी, ये देखिए आप। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, एक वीडियो मैंने पीछे भी डाली थी, आपने आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोस्तों। तो जो मैंने पिछले साल कलमे की थी, टॉप वर्क किया था ब्लैक केम्बर का बड़े पौधे पर, ये देखिए आप। तो ये फ्लावरिंग आप देख पा रहे होंगे, तो ये पीछे का टहना है, ये है सेंटा रोजा का। बाकी अगर मैं पेड़ आपको दिखाऊँ, पेड़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप पेड़ सेंटा रोजा का, काफ़ी बड़ा प्लांट है ये, कम से कम 30 साल पुराना प्लांट है। तो इधर वाली साइड में तो आप देख पा रहे होंगे सेंटा रोजा की फ्लावरिंग आई है सारे में, ये देखिए। तो जो मैंने इसमें टॉप वर्क किया था वो सारी कलमें लग चुकी है दोस्तों। और साथ ही साथ उसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था उसमें कितनी अच्छी टहनियाँ बनी थी और सारी की सारी कलमें लगी थी। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ उसमें, साथ ही साथ एक साल में उसमें फ्रूट भी, फ्लावरिंग आ गई है और फ्रूट भी लग जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए आप, यहाँ देख पा रहे होंगे आप, तो ये भी यहाँ कलमें हैं। ये तीन कलमें मैंने साथ ही कर दी थी, एक साथ ही। तो अब मुझे ये वाली एक कलम को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा घना हो गया दोस्तों। और ये देखिए आप, इसमें अगर आप ऊपर देखिए तो ये देखिए इसमें फूल भी आ गए हैं, ये देखिए। टॉप वर्क में हमारा ऐसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि टॉप वर्क में हमारा नेक्स्ट ईयर ही हम इसमें फ्रूट ले लेते हैं। और इतना बड़ा पेड़ है सेंटर रोजे का, तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि फ्रूट आना ही था। ये देखिए आप क्या ज़बरदस्त, आपको दिखाता हूँ मैं। और ये देखिए यहाँ, यहाँ भी देखिए आप, अगर आपको विश्वास नहीं दोस्तों, ये देखिए यहाँ भी ये कलम है। मैंने अभी तक इसका प्लास्टिक भी नहीं निकाला है, इसे भी हम निकाल लेंगे अब, हमें ये टाइम से निकाल लेना है दोस्तों। ये देखिए ब्लैक एम्बर, इसमें क्या ज़बरदस्त, ये देखिए दोस्तों यहाँ ये कलम की थी, ये देखिए एक आगे, थोड़ी मैंने ज़्यादा आगे कर ली है। अब जो इसमें पीछे नए टहने आएंगे मैं इसको बैक में लाऊंगा, उसमें भी मैं इस बार कलमें कर दूंगा और नेक्स्ट ईयर के लिए उसमें भी फ्रूटिंग आ जाएगी। ये देखिए यहाँ कलमें की थी, तो ये देखिए आप इसमें, यहाँ देखिए क्या ज़बरदस्त। और साथ ही साथ ये देखिए आप, और इधर साथ में सेंटा रोजा भी है। तो इस बार दोस्तों ये देखिए आप, जो पीछे बैक में इसमें ये टहने आए, हमने जो हेड बैक मारा था सेंटा रोजा में, आगे कलमी की थी, उससे पीछे ये देखिए आप ये टहनियाँ फट चुकी है। तो हम इस टहनियों को भी पीछे इसमें हम इस बार कलमे करेंगे। कलमे करने के लिए हम थोड़ा लेट हो गए, लेकिन कलमे लग जाएगी क्योंकि हमारे पास कलमे दबाई हुई थी, इस वजह से हमारी कलमे सारी लग जाएगी। मैं आपको उसका भी रिजल्ट दिखाऊंगा। तो ये देखिए पीछे जो बैक में टहनियाँ हैं, मैं इसमें ग्राफ्टिंग कर लेंगा दोस्तों इस बार,